अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं वीवर? सब लोग ठीक है? वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो लेटर टी पे है, कैपिटल लेटर। और कोशिश कीजिएगा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से शुक्रिया, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करें। जी स्टूडेंट, हमारा जो लेटर टी है उस पर हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे तरीके से देखें इसको। ये हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया, गौर से देखें इसको। ये हमने राइट एंगल पे इसको कंप्लीट करना है और एंड वाला जो हिस्सा होता है वो बारीक होता है, और इसके जो टॉप वाला जो इसका हिस्सा होता है इसको भी हमने इसके मुताबिक एडजस्ट करना है कि कितना हम इसको बारीक या मोटा रखेंगे। ये हमने इसको डबल किया है जी। ये लेटर है टी, कैपिटल। जॉइनिंग राइटिंग में इसको लिखते हैं इस स्टाइल में। आपने कोशिश करना है कि वीडियो को ज़रा डीपली इसको देख के फिर उसको प्रैक्टिस में ज़रूर लेके आया करें, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो अभी हम डबल साइड मार्कर से ऊपर इसको रिपीट करेंगे, डबल साइड मार्कर से। ये आपके सामने हम इसको बार बार कॉपी करेंगे ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब आपको फोर लाइंस के अंदर लिखना आ जाता है तो इससे क्या होता है, हम चार लाइन पे क्यों लिखते हैं? चार लाइन पे इस वजह से लिखते हैं कि आपका साइज़ जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हो जाए। जब आपका साइज़ पुख्ता हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लफ्ज़ छोटे बड़े नहीं आते, तो फिर हम इसको एक लाइन पे भी राइट कर सकते हैं। गौर से देखें आप, ये हमने फर्स्ट लाइन को कंप्लीट किया है। अब सेकंड लाइन को राइट करेंगे। हम सेकंड लाइन में भी टी को लिख रहे हैं हम ब्लैक के साथ। तो मार्कर को आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल लाइट रखा करें, और इंशाल्लाह इसकी जॉइनिंग की जो वीडियो है लेटर को स्माल को स्माल के साथ कैसे जॉइन करना है हमने, इसकी भी वीडियो ज़रूर डालेंगे आपके लिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, देखिए कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी राय का इजहार किया करें। इतना टाइम देते हैं हम वीडियो को, तो कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें ताकि हम अपने आप को मज़ीद आपके सामने तैयार रख सकें। और यही हमारी एक ताकत है कि आप फ़ैन लोग जो अप्रिसिएशन होती है आप लोगों की, जो तारीफ़ करते हैं, इसी वजह से तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, हम कोशिश करेंगे मज़ीद इससे अच्छी वीडियो हम डाल सकें। जी और कोई टिप्स भी हो वो भी बताया करें,
बात है, आप लोग कितने एजुकेटेड लोग होते हैं, और मेरे लिए कुछ बेहतर कोई टिप्स अगर आपके पास है तो वो भी थोड़ा बताया करें। शायद आप कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ों को जानते हो जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता, तो हम इधर आप अपना नेम ब्राइट करेंगे, तो आप भी ज़रा इसको अच्छे तरीके से देखें। नेम को हमने किस तरीके से लिखना है और मैं किस स्टाइल में इसको लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये हमारे चैनल का जो नाम है वो हम इधर राइट करने लगे हैं। जी, लिखा है हमने एफ, और इधर हम राइट करेंगे लेटर बी, इधर आएगा हमारा डॉट, ए आर टी आई एस टी। जी व्यूवर्स, ये हमने अब अपने चैनल का नाम राइट किया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है ना वो टू दी पॉइंट बनाते हैं, और ताकि आपको इसकी समझ आ सके। अब हम इसकी शेडिंग करेंगे। शेडिंग के लिए आप इसको ज़रा देखिएगा कि शेडिंग हम कौन से कलर की करने लगे हैं। बस अब हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग के लिए ये मेरे पास है मार्कर बॉक्स, और ये बड़े ज़बरदस्त मार्कर हैं। हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं शेडिंग, और हमने कलर डिसाइड किया है, ये देखिएगा, शॉकिंग पिंक कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये आपके सामने अभी लगा के दिखाते हैं, और इससे हमारी जो वीडियो है वो और अच्छी हो जाएगी। जी जी हमने इसकी शेडिंग को कंप्लीट किया। अब हम मज़ीद अच्छा करने के लिए इसकी शेडिंग को जी अच्छे से देखते जाएं, इसको शेडिंग करने से जी। व्यूवर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।